जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है गाइस। आज हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं, 10,000 प्लस हो गए हैं, 10,032 सब्सक्राइबर्स सभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो हुए हैं। इस चीज़ के लिए सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब के पूरे परिवार को, पूरे परिवार के सदस्यों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। बिना आप सबके सहयोग के ये चीज़ आज पॉसिबल नहीं होता। आप सब ने भरोसा जताया, मैं उस भरोसे पे खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और जिस उद्देश्य से आप लोगों ने मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब किया है, उस उद्देश्य को भी पूरा करने की मैं कोशिश करूंगा। और चूंकि अब हमारे YouTube चैनल पे हमारा परिवार बड़ा हो रहा है तो मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं और मैं उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। मैं अपने कंटेंट में बदलाव करूंगा और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊंगा, शेयर मार्केट के बारे में सिखाऊंगा, समझाऊंगा। चूंकि मैंने गाइस MBA कर रखा है, मैंने शेयर मार्केट की पढ़ाई करी है और मुझे इसमें एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो मैं इतने अभी समय नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन चूंकि हमारा परिवार बढ़ रहा है तो मैं इस पर और ज़्यादा समय दूंगा और अच्छे से कंटेंट लेकर आऊंगा आप सभी के लिए। सिर्फ स्टॉक की रिव्यू नहीं करूंगा, स्टॉक में क्या देखती है, देखिए बाई की जाती है, कहाँ बाई की जाती है, कब बाई करें तो प्रॉफिट होगा, तमाम चीज़ें मैं इसके बारे में आपको अपडेट करूंगा। ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा, आप सबको समझाऊंगा, बताऊंगा, मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ अपडेट आएंगे सबके बारे में अपडेट करूंगा इस चैनल पर। तो चूंकि अब जिसमें बताया परिवार बड़ा हो रहा है तो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कंटेंट में बदलाव करना पड़ेगा आप लोगों को नई नई चीज़ें सिखाने और बताने के लिए। तो ये सब चीज़ें तो होती हैं और आगे भी मैं और अपडेट करूंगा, आगे भी बेहतर करूंगा आप सबके लिए, ताकि आपने जिस उद्देश्य से मुझे ज्वाइन किया है वो उद्देश्य आपका पूरा हो, आप सीखें और समझें। चलिए एक बार मैं अपने चैनल का ओवरव्यू देता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा हटकर हम लोग बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे शुरू किया और कहाँ तक अभी तक हम लोग पहुँचे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब्सक्राइबर्स से, क्योंकि आज सब्सक्राइबर्स की ही देने की आज हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। तो अभी देख सकते हैं सब्सक्राइबर्स पर जो 583 सब्सक्राइबर्स आप देख रहे हैं ना, अभी ये पिछले सिर्फ 28 दिन के सब्सक्राइबर्स हैं, 583 सब्सक्राइबर्स, न कि ओवरऑल। ओवरऑल के लिए हमें लाइफ टाइम पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ पर देखेंगे मैंने जनवरी 2022 में ये चैनल शुरू किया था, तब से हमारा जो ग्राफ है जीरो से बढ़ के अभी 10,033 तक पहुँचा है। हालांकि 2022-2023 में मैं उतना एक्टिव नहीं रहा, लेकिन अब जाके मैं एक्टिव होना शुरू हो गया हूँ और अब एक्टिव रह रहा हूँ और आगे और भी एक्टिव रहूँगा, मैं आप सबके लिए मैं वादा करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे 2023 से तो आपको दिखेगा कि अब जाके सब्सक्राइबर्स का हमारा जो ग्राफ है उठना शुरू हुआ है, क्योंकि अब मैंने इस पे काम करना शुरू किया है और अब जाके जो है हमारा परिवार बड़ा हुआ है और 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं। तो ये हो गई सब्सक्राइबर्स की बात, अब बात कर लेते हैं ओवरऑल व्यूज़ की। तो व्यूज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो कहाँ गया, ये रहा व्यूज़, यहाँ पे 28 दिन में देखेंगे तकरीबन 1,00,000 व्यूज़ आए हैं, 1,03,000। लाइफ टाइम पर हम क्लिक करें तो लाइफ टाइम में जो व्यूज़ देखेंगे वो तकरीबन 9,22,000 के आसपास, यानी कि 10,00,000 के करीब हमारे व्यूज हो गए। अब जैसे मैंने बताया 2023 के मिड से यानी कि हाफ से हमने काम अच्छे से करना शुरू किया और अब तब जाके इसमें व्यूज आना शुरू हुआ, व्यूज आना शुरू हुआ तो सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, सब्सक्राइबर्स बढ़े तो वॉच टाइम बढ़ा, फिर उस हिसाब से पैसे बढ़ना शुरू। कह सकते हैं कि शुरू के दिनों में काम करने के बाद बीच में मैं थोड़ा सा कम काम कर रहा था, लेकिन अब मैं कंटिन्यू काम करूँगा और अब जाके काम होना शुरू हुआ जो आपको ग्राफ पे भी दिख रहा है। अब सबसे मेन चीज़ की बात करते हैं पैसा कितना कमाया अभी तक 2 सालों में। तो चलिए 2 सालों में तो लगभग 2 साल मैंने कोई काम ही नहीं किया, अब जाके काम करना शुरू किया है तो अभी देख लेते हैं ओवरऑल जो हमारा एस्टिमेटेड रेवेन्यू हुआ है। यदि हम पूरे लाइफ टाइम की बात करें तो लाइफ टाइम पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे ओवरऑल टोटल रेवेन्यू तकरीबन $581, तकरीबन $600 के आसपास हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दो दिन का पेमेंट आना बाकी है। तो सकते 2 साल में मैंने सिर्फ $600 कमाए हैं, हालांकि 2 साल मैंने काम नहीं किया, यहाँ पे देख सकते कुछ भी रेवेन्यू नहीं हुआ था। और जिसमें 2023 के हाफ से हमने जाके काम करना शुरू किया और उसके बाद इसका डॉलर का ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ और धीरे धीरे यह और बढ़ेगा, चूंकि परिवार बढ़ रहा है और मैं और ज़्यादा एक्टिव तरीके से काम करूंगा तो व्यूज आएंगे और उसके हिसाब से पैसे बढ़ेंगे। तो गाइस अभी तक हमने आपको सब्सक्राइबर्स, व्यूज और पैसे के बारे में बता दिया, अब ये देख लेते हैं कि अब तक किस वीडियो पर मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज आए हैं। तो उसके लिए कंटेंट पर हम क्लिक करते हैं और कंटेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शॉर्ट बाय पर चल के हमें मोस्ट व्यूज वीडियो पर क्लिक करना होगा। अब आप देखिए यहाँ पे आपको देखिएगा टापारिया टूल्स नाम के जो स्टॉक है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, इस पर सबसे ज्यादा व्यूज आए 17,000 व्यूज आए हैं तकरीबन एक मंथ पहले की बात है। एम्पावर इंडिया हो गया, GTL हो गया, टापारिया इंडियन इन्फोटेक पर भी अच्छे व्यूज आए हैं, एलिस्टोन टेक्सटाइल्स, एवेक्सी लाइफ केयर, इन सब वीडियो पर मेरे अच्छे खास व्यूज आए हैं और इनसे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स और मेरे वॉच टाइम और पैसे बने हैं। और आगे और भी तमाम चीज़ों को मैं अपडेट करूंगा और नए नए कंटेंट लेकर आऊंगा आपको सिखाने समझाने के लिए। सिर्फ स्टॉक का रिव्यू देने से काम नहीं बनेगा, आपको सीखना भी जरूरी है। तो अभी तक जो भी हमने जर्नी किया उसके बारे में आपको बताया, आगे और भी तमाम चीज़ मैं अपडेट करूँगा। एक बार फिर से मैं कहूँगा अभी तक वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी सवाल है, कंफ्यूजन है, कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूँ, ये मेरे में एक अच्छी आदत आप कह सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।